राजधानी दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है। अब करोल बाग के गफ्फार मार्केट इलाके में भीषण आग लगने की खबर है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए 39 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुनील चौधरी ने कहा कि सुबह से आग बुझाने की कोशिश चल रही है। इसके आगे उन्होंने बताया कि आग 3 लेन में फैल गई है। तो वहीं ऑफिसर के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियां मौके पर है। इसके अलावा अभी तक जान माल के नुकसान की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऑफिसर ने आगे बताया है कि आग पर काबू पाए जाने के बाद कूलिंग ऑपरेशन भी चलाया जाएगा और इसके बाद सर्च ऑपरेशन। जानकारी के मुताबिक गफ्फार मार्केट में आग लगने की यह घटना सुबह सुबह करीब 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि सुबह 4:16 पर फायर ब्रिगेड को फोन कॉल के जरिए गफ्फार मार्केट में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड ने तत्काल 39 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जहां आग लगी है वहां एक भी नागरिक नहीं फंसा है। आग गफ्फार मार्केट इलाके के शू मार्केट के करीब लगी है। आग लगने के कारण के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के करीब गफ्फार मार्केट के पास शू मार्केट के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से धुआं उठता नजर आया। देखते देखते कुछ मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया था। बिल्डिंग से आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल फायर ब्रिगेड को दी और आग पर काबू पाने के लिए अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।